सो गाइस, अगर एक नया विशेषत गाइस, अगर आपके पास रेडमी 8A डुअल स्मार्टफोन है और किसी न किसी रीजन का वजह से आपका उस स्मार्टफोन का जो भी डाटा है उसको फॉर्मेट करने, तो गाइस आज इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैंने बताया कैसे आप लोग आपका रेडमी 8A डुअल स्मार्टफोन होता है उसको कैसे फॉर्मेट बोल सकते हो, ऑल डाटा डिलीट भी बोल सकते हो और कैसे फैक्ट्री रिसेट करने, फुल प्रोसेस मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्मार्टफोन है स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ कर लेने के बाद गाइस सिंपली आपका जो स्मार्टफोन होगा इसको फैक्ट्री रिसेट करना है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको पावर ऑन करने के लिए दो बटन का काम में आएगा, एक है वॉल्यूम अप बटन और एक पावर बटन। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन इस दोनों को एक साथ में स्पेस करके आप लोगों को जो पावर होता है पावर को ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग वॉल्यूम प्लस बटन और पावर बटन को एक साथ में स्पेस करके ऑन कर लोगे तो ऐसे छोड़ देना है। जैसे ही आप लोग छोड़ दोगे आपका फ़ोन का जो लोगो होगा आप लोगों को दिख जाएगा। कुछ टाइम वेट कर लेने के बाद गाइस आपका पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो, एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि वेब डाटा। तो आप लोगों को वेब डाटा में ले आने के लिए गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बटन से काम करना पड़ेगा, डाउन से नीचे आएगा और अप से ऊपर जाएगा। और गाइस सिलेक्ट करने के लिए गाइस आप लोग को पावर बटन को यूज़ करना है। जैसे कि वेब डाटा में सिलेक्ट करने के लिए मैंने डाउन किया और बोले हम जो पावर बटन है उसको यूज़ करके मैं करने वाला हूँ सिलेक्ट। तो आप लोग भी ऐसे पावर बटन से गाइस सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने वेब डाटा में रख दिया, अभी करने वाला हूँ पावर बटन से सिलेक्ट। तो गाइस जैसे आप पावर बटन में आप लोग सिलेक्ट कर दोगे वेब डाटा में ले आने के बाद आपका जो फ़ोन होगा गाइस आपका ऑटोमेटिकली जो डाटा होगा थोड़ा इरेज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को सिलेक्ट कर देना पावर बटन से। अब गाइस इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो कॉन्फर्म बटन है उसको ले आने के लिए आप लोगों को डाउन से क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक कर देने तो सिंपली आप लोगों को पावर बटन से सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप लोग सिलेक्ट कर देंगे आपका जो सिस्टम होगा थोड़ा टाइम ऐसे काउंटिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसे काउंटिंग होना शुरू हो जाए तो आप लोगों को देखा जाएगा डाटा वेव सक्सेसफुली। तो सिंपली आप लोगों को पावर बटन से सिंपली एक बार क्लिक कर देने, फिर से आप लोगों को रिबूट वाला ऑप्शन दिख जाएगा एक नंबर पे, आप लोगों को पावर बटन से सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिबूट ऑप्शन, अभी पावर बटन को जैसे सिलेक्ट कर देगी रीसेट योर सिस्टम। तो सिंपली आप लोगों को एक नंबर पे ही पावर बटन से सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप लोग पावर बटन से सिलेक्ट कर देंगे आपका जो फ़ोन होगा फिर से एक बार ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। अभी गाइस क्या होगा, इसका जो मेनू बार होता है वो आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑटोमेटिकली फिर से एक बार जो MIUI जो इसका जो सिस्टम होगा अभी आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो MIUI का जो सिस्टम है अभी लोगों को दिख जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग कुछ टाइम वेट कर लेना है। जैसे आप लोग वेट कर लोगे गाइस आपका सामने और भी एक ऑप्शन आ जाएगा ऐसे वाला। जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपका जो भी फ़ोन का डाटा है अभी रिकवर हो रहा है। और उसके बाद कुछ टाइम वेट कर लेने के बाद सिंपली आपका पास दूसरी एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो MIUI। तो गाइस सिंपली आप लोग ऐसे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोगों को जो ऑप्शन दिख जाएगा इंग्लिश इसमें क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब गाइस आप लोगों को इंडिया सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद गाइस आप लोग कुछ टाइम वेट कर लेना है। तो जैसे आप लोग वेट कर लोगे आप लोगों को सामने और भी एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आप लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको सिलेक्ट कर देना है, टिक मार्क करके आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग टिक मार्क करके आगे बढ़ोगी अभी गाइस आप लोगों को एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा जो कि आपका मोबाइल डाटा और नहीं तो वाईफाई किसी भी एक कनेक्शन का साथ आप लोगों को कनेक्शन कर लेना है। अभी मैं करने वाला हूँ वाईफाई का साथ। तो चलिए मेरा जो पासवर्ड में मैंने कनेक्शन कर लिया, अभी आप लोग देख सकते हो मेरा जो वाईफाई है अभी कनेक्शन है, अभी इस वाईफाई के थ्रू मेरा जो डाटा है गाइस रिकवर होने वाला है। तो अभी ऐसे कुछ स्कैनिंग होगा क्योंकि गाइस इसका अंदर जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा स्कैनिंग हो गया आपका फ़ोन का अंदर ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप लोग पिछले वाला जो डाटा है इसको रिकवर करना चाहते हो तो नेक्स्ट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग डू नॉट कॉपी में क्लिक कर सकते हो अगर नहीं चाहिए पिछले वाला जो डाटा है डाटा। तो ऐसे आप लोग क्लिक कर देने हो तो और भी कुछ टाइम वेट कर लेने तो आपका फ़ोन का जो पासवर्ड होता है पासवर्ड मांगेगा। सिंपली आपका फ़ोन का पासवर्ड को दे देना है। तो चलिए मेरा जो पासवर्ड है मैंने डाल दिया। पासवर्ड को डाल देने के बाद कुछ टाइम वेट कर लेने के बाद गाइस आपका जो सिस्टम होगा तो चेकिंग होगा उसको तो आप लोग को स्क्रिप्ट में कर देना है। अगर ईमेल आईडी देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो स्क्रिप्ट कर सकती हो।
तो ऐसे करके आप लोग को स्क्रिप्ट कर देना है। जैसे आप लोग स्क्रिप्ट कर दोगे ऐसे करके आप लोग एग्री कर देना है। एग्री जैसे करते रहोगे फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऐसे आप लोग फ़ोन में पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो। आगे जाके आप लोग ऐसे जो सिस्टम होता है एग्री करने है। और गाइस इसका अंदर आप लोग देख सकते हो MIUI का जो थीम होता है उसको भी आप लोगों को सेटअप कर देने। और ऐसे जैसे ही करोगे कुछ टाइम आप लोगों को और भी वेट कर लेने। वेट करने के बाद सिस्टम पूरा चेकिंग होगा। चेकिंग होने के बाद गाइस आपका जो फ़ोन होता है फाइनली आप लोग देख सकते हो रेडी हो गया। और आपका जो सिस्टम का जो डाटा था पूरा का पूरा फैक्ट्री रिसेट हो गया। इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक कर देना, और मेरी चैनल आया होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ जो बेल वाला नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके रखना, क्योंकि जब भी मैं नया नया वीडियो अपलोड करता रहूँगा और वीडियो का अपडेट आप लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। सो एवरी आर टेक केयर।